गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कंफर्म करके बताइए, आवाज़ आ रही है आप तक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चे आप सभी का आज के इस क्लास में। आवाज़ आ रही है आप तक? ओके, क्लियर है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ओके, जल्दी से बच्चे सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। आज के करंट अफेयर्स में आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका, वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो हम देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, ठीक है? कौन सी इन्वेंशन आपको याद रखना है, कौन से खबरें आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, इसरो से रिलेटेड है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लेरेशन, डी क्लेरेशन या फिर IAD। अब ये IAD क्या है बच्चे? इसे हिंदी में कहते हैं ज्वलनशील वायु गतिकीय मंदी। ज्वलनशील वायु गतिकीय मंदी, यह बच्चे आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है IAD। यह आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग भविष्य में मंगल या शुक्र पर पेलोड उतारने के लिए किया जाएगा, ठीक है? अगर बच्चे भविष्य में इसरो द्वारा कोई सभी प्रोजेक्ट ऐसा आता है, कोई सभी मिशन ऐसा आता है जो कि मंगल या शुक्र पे भेजा जाएगा, तो जो आपका पेलोड होता है, जो आपका नीति भार होता है, उसे उस ग्रह पर उतारने के लिए इस प्रौद्योगिकी का, इस उपकरण का यूज किया जाएगा, ठीक है? तो IAD याद रखिएगा। और इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। और इसरो द्वारा ही ये पूरी पूरी तरीके से निर्मित है, ठीक है? इसरो द्वारा ही यह बनाया गया है और हाल ही में उन्होंने इसका क्या किया है, इसका परीक्षण किया है, ठीक है? तो याद रखिएगा। पोर्टल पर जो रिवीजन हुआ था उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। चलिए देख के बताती हूँ मैं अभी आपको, ठीक है? ये याद रखिएगा IAD। उसके बाद अगला आपको याद रखना है मॉक्सी। मॉक्सी, अब ये मॉक्सी क्या है बच्चे? मॉक्सी आपका नासा का एक मिशन है, ठीक है? किसका है पहले तो?
अभी क्लियर है बच्चों? आवाज आएगी अभी? वॉइस क्लियर? आ गया है। अच्छा हो मैंने पीछे मुड़ के देख लिया। आधी क्लास आपकी बिना आवाज की हो जाती है। ओके ऑल क्लियर। ओके कहाँ से गायब हुआ था? मॉक्सी से। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, IAD, ये तो आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा, IAD इसरो द्वारा बच्चे यह बनाया गया है और इसरो के द्वारा ही इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला है आपका मॉक्सी। मॉक्सी क्या है? नासा का एक एक्सपेरिमेंट है। किस चीज के लिए? यह बच्चे उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिससे कि वो क्या करेंगे, मंगल ग्रह पर, जिससे क्या करेंगे, मार्स पर ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे उनका जो एक्सपेरिमेंट था यह हाल ही में सक्सेसफुल हो चुका है, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो किसने बनाया है मॉक्सी को? मॉक्सी को बनाया है नासा ने। और किस चीज के लिए बनाया गया है? यह बनाया गया है मार्स प्लेनेट पर, जो आपका मंगल ग्रह है वहां पे ऑक्सीजन बनाने के लिए। ठीक है, टू क्रिएट ऑक्सीजन, याद रखिएगा मॉक्सी को। अगला आपका एक एक्सरसाइज है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए, वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज बच्चे, यह आपकी एक्सरसाइज हुई है, यह आपका एक अभ्यास है, वर्चुअल अभ्यास है, और 26 देशों ने लगभग इसमें भाग लिया है, और यह इससे ज्यादा बच्चे जरूरी है कि यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, मतलब कि NSCS, ठीक है, इनके द्वारा, और UK की गवर्नमेंट द्वारा, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको दो संस्थाओं का नाम याद रखिएगा, एक तो हमारा है, इंडिया का है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, और दूसरा किसके द्वारा? यूके की सरकार द्वारा, मतलब कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा, यूनाइटेड ऑफ किंगडम के गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, और कितनी कंट्रीज ने इसमें भाग लिया है? 26 कंट्रीज ने। और जो टॉपिक है, जो विषय है, सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका देश में पहला आपका, देखिए, फर्स्ट हाई थ्रोटपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। बच्चे यह आपकी इंटरनेट सर्विस है, और यह इंटरनेट सर्विसेज आपके कहाँ पे लगाई जाती हैं? जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपकी जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, उनके द्वारा बच्चे जहाँ पे सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, जो सेंटर होते हैं जहाँ पे उनके द्वारा भेजे हुए सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, तो वहाँ पे के लिए, वो जो सेंटर हैं वहाँ के लिए पहली बार ये जो आपका इंटरनेट सर्विस है, और इंटरनेट सर्विस का नाम क्या है? HTS। HTS नाम से एक इंटरनेट सर्विस है बच्चे, इसका हाल ही में इंस्टॉल किया गया है इसे, और किसके द्वारा इसे बनाया गया है? एक तो इसरो, ठीक है, इसरो याद रखिएगा, और दूसरी आपकी कंपनी है HCI। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? HCI, ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। इस कंपनी के द्वारा और इसरो के द्वारा यह पूरा आपका इंटरनेट सिस्टम आपका निर्मित किया गया है, और हाल ही में इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसरो से रिलेटेड आपको एक और न्यूज याद रखना है, इसरो के द्वारा इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड हाइब्रिड मोटर, एक हाइब्रिड मोटर का निर्माण किया गया है, और उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा, और ये बच्चे आपका कहाँ पे काम आएगा? जो फ्यूचर में आपके क्रायोजेनिक इंजन बनेंगे। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन बनेंगे जिससे आपका रॉकेट चलता है, जिससे आपकी सेटेलाइट चलती है। ठीक है, तो रॉकेट के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन बनने हैं उसके लिए बच्चे हाइब्रिड मोटर तैयार किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये दो न्यूज आपकी हो गई इसरो की। अगला है, एक महत्वपूर्ण तकनीक का परीक्षण करने के लिए जिसका उपयोग क्षुद्र ग्रह हो, मतलब क्षुद्र ग्रह मतलब होता है आपका एस्ट्रॉइड्स, को पृथ्वी की ओर मोड़ने के लिए किया जा सकता है। नासा का डार्ट मिशन क्षुद्र ग्रह पर, एक क्षुद्र ग्रह पर गिरे। बच्चे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन, ठीक है, यह आपका किसका है? पहले तो याद रखिएगा, यह नासा का है। ठीक है, नासा का है डार्ट मिशन, और यह बच्चे किसके लिए आपका यूज किया जाएगा? तो यह मिशन आपका है जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं,
जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मतलब कि शुद्र ग्रह होते हैं, तो कहा जाता है कि शुद्र ग्रह, आपको भी पता होगा कि जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं बच्चे, कई बार वो क्या होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, पृथ्वी की परिधि में आ जाते हैं, और उससे खतरा होता है कि वो पृथ्वी के तक पहुंच जाए, ठीक है। और जब बच्चे पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या करेगा, हमें नुकसान करेगा, ठीक है। तो उन शुद्र ग्रहों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने के लिए यह एक मिशन है, यह एक मिशन बनाया है नासा ने, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, बेसिकली इस सिस्टम का, इस मिशन का काम क्या होगा कि उन शुद्र ग्रहों को, उन एस्ट्रॉइड को पृथ्वी तक आने से रोकना, ठीक है, ताकि जो भी आपका एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसका जो है रास्ता वह मोड़ा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके का एक मिशन है डार्ट मिशन, वह आपका नासा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये डार्ट। अगला है आपका, फर्स्ट सोलर फार्म वुड बी लोकेटेड इन इंडिया बाय अमेजन। अमेजन बच्चे आपकी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। तो इनके द्वारा आपका पहला सोलर फार्म, पहला सोलर फार्म बनाया जा रहा है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है, भारत में बनाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे, 3 सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, 3 सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे इनके द्वारा, और कहाँ पे बनेंगे सारे के सारे, राजस्थान में, इंडिया में कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो 3 सोलर पावर प्लांट अमेजन के पहले ही है, ठीक है, पहला वेंचर है अमेजन का ये, तो अमेजन कंपनी द्वारा भारत के राजस्थान स्टेट में 3 सोलर पावर प्लांट, 3 सोलर पावर प्लांट, और कितने उनकी क्षमता होगी, तो 420 मेगावाट के आपके सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं, ठीक है। अगला आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, मतलब कि इसरो के सहयोग से विकसित एक रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली IRTIS स्थापित कर रहा है, कर लिया है, ठीक है, कर लिया है। बच्चे आपको याद रखना है कि जो आपका इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे है, उन्होंने इसरो के साथ में मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है, जिसे हम कहते हैं RTIS, जिसे हम क्या कहते हैं RTIS, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बच्चे, ताकि आपको क्या मिल सके, अपने ट्रेन की सही जानकारी मिल सके कि आपकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, ठीक है, उसे अपने गंतव्य में, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में कितना समय लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसे एकदम से सटीक देने के लिए यह आपका क्या है, पूरा सिस्टम है, पूरा प्रणाली काम करेगी। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसे डेवलप किया गया है एक तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, और दूसरा आपका इसरो, ठीक है, याद रखिएगा, इसरो से रिलेटेड है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और ये बच्चे आपका स्टार्ट भी हो चुका है, फंक्शन करना शुरू हो चुका है। अगला है आपका, 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखना है, ये आपका बच्चे कांग्रेस है, एक सम्मेलन है जिसका नाम है आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे ये हुआ है, ये हुआ है आपका प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान कहाँ है आपका, नई दिल्ली में, ठीक है। तो कांग्रेस याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, ये आपका एक सम्मेलन है, ठीक है, एक सम्मेलन है, एक समिट है, जो कि नई दिल्ली में आपका आयोजित करवाया गया था। अगला क्या याद रखना है आपको, सिनर्जी, देखिए सिनर्जी फॉर 13 कंट्रीज। अब सिनर्जी भी बच्चे आपका एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, एक आपका सम्मेलन है, सक्सेसफुली डिजाइन एंड कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज बाय इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN विथ द साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर। अब देखिए बच्चे, अभी हमने एक पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वर्चुअल आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि यूके की गवर्नमेंट ने और इंडिया के इंडिया के एक आपके डिपार्टमेंट द्वारा वह करवाया गया था, ठीक है, आयोजित करवाया गया था। उसी तरीके से बच्चे साइबर सिक्योरिटी के लिए अगेन किस चीज के लेटे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका एक और सम्मेलन करवाया गया है, जो कि किस किस के द्वारा करवाया गया है, यह बच्चे आपको याद रखना है। एक तो CERT-IN मतलब इंडिया, ठीक है, CERT, और CERT क्या है आपका, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इनके द्वारा, और सिंगापुर की एक एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो सिंगापुर के साथ मिलकर इंडिया ने कौन सा वाला साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा स्टार्ट किया है, सिनर्जी,
और ये कितने देश हैं बच्चे, इसमें आपके 13 देश भाग लेंगे। और इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो आपका वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, उसमें आपके 26 देश भाग लेंगे, ठीक है। और वह किस किस के द्वारा था, एक तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो दोनों में आपकी कंट्रीज अलग है, इसमें आपका इंडिया है और सिंगापुर है, ठीक है, और इसमें आपके 13 देश है, जबकि जो पहले वाला हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उसमें आपके 26 देशों के लिए वहां आपका कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। लेकिन बच्चे इस एक्सरसाइज का आपका नाम है और इसका नाम है सिनर्जी, ठीक है। तो सिनर्जी 13 देशों के लिए, इंडिया की CERT जो आपका टीम है, रिस्पांस टीम है, उनके द्वारा और सिंगापुर की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा आपका कंडक्ट करवाया गया है। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक यूके के साथ हो रहा है और एक हो रहा है सिंगापुर के साथ में मिलकर, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला है स्वीडिश डिफेंस फर्म साब अनाउंस्ड इट्स प्लान टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फाइड वेपन सिस्टम अंडर द NDA's गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब बच्चे देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है और करंट भी है, नया भी है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि जो स्वीडन है, स्वीडन कंट्री है, ठीक है, स्वीडन कंट्री का बच्चे डिफेंस फर्म है साब नाम से, SAAB, ठीक है, शाब नाम से उनका एक डिफेंस फर्म है, एक डिफेंस संस्था है, ठीक है। तो स्वीडन की जो बच्चे डिफेंस संस्था है उनके द्वारा क्या किया गया है, एक MOU कह लीजिए, एग्रीमेंट साइन किया गया है कि उनके द्वारा बच्चे ये आपका जो वार सिस्टम है, जो आपका वेपन सिस्टम है, हथियार की जो प्रणाली है, वह हमारे लिए तैयार की जाएगी। और कौन सी योजना के अंतर्गत यह तैयार की जाएगी, मेक इन इंडिया, जो आपका चलता है भारत में निर्माण, मेक इन इंडिया जो स्कीम है, योजना है, उसके अंतर्गत जो स्वीडिश जो संस्था है साब, इनके द्वारा बच्चे यहीं पे हमारे लिए एक अलग तरीके का, एक अपग्रेडेड रूप का वेपन सिस्टम पूरा तैयार किया जाएगा। और वेपन सिस्टम का नाम क्या है आपका, कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड, ठीक है। ये पूरे वेपन सिस्टम है, देखिए इस तरीके ये वेपन होता है, तो उनके द्वारा बनाया जाएगा, स्वीडिश जो आपकी संस्था है उसके द्वारा हमारे लिए ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यहीं पे, ठीक है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और कौन से इनिशिएटिव के अंतर्गत करना है, कौन से इनिशिएटिव के अंडर में करना है, तो यह करना है मेक इन इंडिया जो आपकी योजना चलती है बच्चे उसके अंडर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, कौन सी कंट्री द्वारा, कौन सी कंट्री, सबसे मेन है कंट्री स्वीडिश, ठीक है, स्वीडन, स्वीडन की संस्था द्वारा हमारे लिए हमारा हथियार बनाया जाएगा और हमारी ही योजना के अंतर्गत, ठीक है, मतलब मेक इन इंडिया के अंतर्गत, याद देखिएगा इसे। और इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड, यह आपका एक वेपन सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, वेपन सिस्टम हथियार है, बंदूक। चलिए, यह आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, और अगला न्यूज है आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बच्चे भारत ने 2-4 पायदान ऊपर खिसक करके 40वीं रैंक हासिल की है, ठीक है, 40वें स्थान पर पहुंच गया है इंडिया। और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को बच्चे जारी किया जाता है। और इस बार भारत को कौन सा नंबर मिला है, 40th, 40वें नंबर पर है इंडिया, याद रखिएगा। अगला है आपका लता मंगेशकर अवार्ड आपके अनाउंस हुए हैं, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, इसमें आपको अवार्डी जो है, जो विजेता है उनका नाम याद रखना है, एक तो आपके जो सिंगर है, गायक है कुमार शानू जी, उसके बाद जो लिरिसिस्ट है, जो आपके गीतकार है शैलेंद्र सिंह, ठीक है, और संगीतकार मतलब कि आपके कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर है आनंद मिलिंद, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके कुमार सानू है, ठीक है, शैलेंद्र जी है, और ये आपके आनंद मिलिंद, ठीक है। तो ये आनंद मिलिंद और कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह, इन सबको मिलके बच्चे आपका क्या दिया गया है, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इस बार आपके इन चार व्यक्तियों को दिया गया है।
अगला आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है बच्चे अभी हाल ही में, कि सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है कि सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। गर्भपात मतलब होता है एबोर्शन, ठीक है, एबोर्शन का राइट दे दिया है बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने सभी वुमेन्स को, सभी महिलाओं को, और चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो आपके मैरिड है या अनमैरिड है, उनको बच्चे यह आपका अधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जब भी वो कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, तो उसके 24 हफ्ते बाद भी, उसके 24 हफ्ते तक बच्चे वह चाहे तो कभी भी अपना एबॉर्शन करवा सकती हैं, कभी भी गर्भपात करवा सकती हैं। तो इसमें, इस न्यूज में आपको क्या याद रखना है, ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, 24 वीक्स, 24 सप्ताह के भीतर भीतर, ठीक है, सुरक्षित रूप से सेफ और कानूनी गर्भपात का आपका अधिकार दे दिया गया है किसे, महिलाओं को, ठीक है। ओके, विशाल विश्वकर्मा, करंट अफेयर्स से पूछा गया था BIS में। अच्छा, करंट अफेयर्स बच्चों पढ़ा हुआ आया था। तुषार, तुषार खंडेलवाल, सिर्फ MOU पूछे गए थे। अच्छा, BIS का हाल ही में एग्जाम हुआ है बच्चों का, तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछा गया है, GS के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछा गया है। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ तुषार और विशाल? अच्छा, मार्च और अप्रैल का, ओके, चलिए आप बताइए कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है, बताइएगा जरूर। विशाल और तुषार, श्रेयाशी, अच्छा काफी बच्चों का था। मार्च और अप्रैल का आपका पूछा गया था, ये आपका अक्टूबर, अभी लास्ट संडे हुआ था ना, कल हुआ था एग्जाम। ओके ओके, सही सही गया है, चलिए अच्छा जाना चाहिए था। ओके बच्चे, करेंट का बता सकते हैं किस तरीके से आपको पूछा गया था, MOU के अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, मतलब एग्रीमेंट ज़्यादा पूछे गए थे, मई और अप्रैल का था। हाँ, तो लास्ट 6 मंथ का, मतलब ना अक्टूबर में आपका एग्जाम हुआ है तो पिछले 6 महीने का पूछा है आपको। चलिए ओके, इसी को देखते हुए बच्चे देखिए एक्सपीरियंस मिलता है, जितने भी आप एग्जाम देते जाते हैं तो नए एग्जाम के लिए आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार होते जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको सीख मिल गई यहाँ से, करंट अफेयर्स को आपको छोड़ना नहीं है, है ना। करंट अफेयर्स वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है जितने भी आपके एग्जाम होते हैं तो। और आपके एग्जाम में कोई फिक्स भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि DRDO में जो हम बोल रहे हैं कि 12 ही नंबर का आपका करंट आएगा, जरूरी नहीं है बच्चे, उसमें वो 15 से 20 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, है ना, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, तो 15 से 20 भी आपको करंट अफेयर से दे सकते हैं। चलिए तो ये आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे यह अधिकार दे दिया है महिलाओं को, और महिलाओं को मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मैरिड वुमेन है उन्हीं को दिया है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड दोनों को यह अधिकार दे दिया है कि 24 हफ्ते तक कंसीव करने के बाद में, गर्भधारण करने के बाद में 24 वीक्स तक वह क्या कर सकती हैं, एबोर्शन करवा सकती हैं, गर्भपात करवा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये याद रखिएगा बच्चे, बुक का नाम याद रखिएगा, लता सुरगाता, लता सुर गाथा। अब देखिए लता सुर गाथा जो आपकी बुक है उसका पहले तो आपको याद रखना है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। अब राइटर कौन है इसके, यतीन्द्र मिश्रा,
यतिंद्र मिश्रा, और यह बच्चे आपकी चर्चाओं में क्यों है, यह पुस्तक, यह आपकी पुरानी पुस्तक है लेकिन यह चर्चाओं में इसीलिए है क्योंकि इसका अंग्रेजी में अनुवाद आने वाला है 2023 में, ठीक है, 2023 में इसका अनुवाद आने वाला है। तो न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, आने वाला है वो जब आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे बुक आपकी चर्चाओं में है, किताब आपकी चर्चाओं में है और इसमें एक मूवी भी बनी हुई है और बहुत अवार्ड इस बुक ने जीते हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लता सुरगाता, लता सुरगाता किसके द्वारा लिखी गई है, यतिंद्र मिश्रा, यतिंद्र मिश्रा के द्वारा बच्चे यह आपकी ओरिजिनल जो बुक है वह लिखी गई है और अभी इसका इंग्लिश वर्जन भी आपका बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। अगली न्यूज देखिए, निखिल कामत, निखिल कामत देखते हैं कौन है, यह पहले तो याद रखिएगा फाउंडर ऑफ जीरोधा, ठीक है, जीरोधा जो आपकी कंपनी है उसके फाउंडर है आपके निखिल कामत, और निखिल कामत ने बच्चे क्या किया है, इस बार की जो आपकी IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट, देखिए बच्चे हुरन जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा यही काम है, जो आपके वेल्थी लोग होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है। तो इस बार जो इन्होंने अंडर सेल्फ मेड मतलब कि 40 एंड अंडर 40 जो उन्होंने सेल्फ मेड जो रिच पर्सन है, खुद से बने हुए जो आपके रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, उनकी जब लिस्ट जारी की बच्चे तो उसमें इंडिया के जो है आपके इंडिया के निखिल कामत इन्होंने टॉप किया है, ठीक है, याद रखिएगा निखिल कामत ने उस लिस्ट में आपका टॉप किया है, ठीक है, और यह कौन सी कंपनी के मालिक है, यह आपके जीरोधा के मालिक है। तो सेल्फ मेड जो आपके 40 सेल्फ मेड आपके बिजनेसमैन की जो लिस्ट निकाली गई सबसे अमीर, उसमें आपका इनका पहला स्थान है निखिल कामत, और कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, ये जीरोधा के फाउंडर है, ठीक है, जीरोधा जो आपकी कंपनी है उसके फाउंडर है। अगला है गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर और मुंबई के बीच आपका सेंट्रल वंदे मातरम ट्रेन, सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस बच्चे अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है, ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो याद देखिएगा जो आपके लेटेस्ट ये सीरीज की बच्चे, ये सीरीज की ऑलरेडी आपकी दो पहले से चल चुकी हैं, ये आपका तीसरी है, ठीक है, इस सीरीज की श्रेणी की यह आपकी तीसरी रेलगाड़ी है, तीसरी ट्रेन है, इस सीरीज की पहली आपकी दो हो चुकी हैं, पहला उसको देख लेते हैं, पहली जो चली थी सबसे पहले वो आपकी नई दिल्ली और कटरा कहाँ पे आपका वैष्णो देवी, ठीक है, जम्मू में है कटरा, तो नई दिल्ली और कटरा के बीच में पहली आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, और दूसरी जो चली थी आपकी वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में, ठीक है, वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में आपकी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, और इसी का बच्चे आपका जो तीसरा है, जो तीसरी आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चली है वह कहाँ पर चली गई है, यह गांधीनगर और मुंबई के बीच में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सीरीज की आपकी तीसरी यह ट्रेन है, इससे पहले दूसरी वाली तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पहली वाली जो फर्स्ट है वंदे भारत जो फर्स्ट है नई दिल्ली और कटरा के बीच में जो चली थी उसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अभी बच्चे ये ओबिचोरी का क्वेश्चन है, इनका निधन हो गया है, इनका नाम है जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है, तो यह कौन थे बच्चे, यह आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग जो आपका नेशनल वुमेन कमीशन है उसकी पहली आपकी हेड थी, ठीक है, उसकी पहली अध्यक्ष थी, इनका हाल ही में आपका निधन हो गया है, तो आपको ओबिचोरी से तो क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है, लेकिन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो आपका नेशनल वुमेन कमीशन है, उसकी आपकी पहली चेयरपर्सन कौन थी, ठीक है, उनकी आपकी जो फर्स्ट आपकी चेयरपर्सन थी, पहली अध्यक्षा थी, वह कौन थी आपकी, जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक, याद देखिएगा। अगला है आपका, अब देखिए ये अवार्ड आपके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यह अभी हाल ही में इनकी घोषणा हुई है, हाल ही में यह दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी है बच्चे इसमें, ठीक है, अगर आप अवार्ड देखने जाएंगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ याद रखनी है, उसमें से कौन कौन सी आपको याद रखनी है, एक तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है, सोरारई पोत्रू, इसे याद रखिएगा, इसे मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। दूसरा कैटेगरी आपको याद रखना है बेस्ट पॉपुलर फिल्म
प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, मतलब कि संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। एक तो आपका बेस्ट बेस्ट फीचर फिल्म हो गया, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो कि आपका सोराराई पोत्रू को मिला है, ठीक है, और एक आपको याद रखना है बच्चे बेस्ट पॉपुलर फिल्म, लोकप्रिय फिल्म, यह मिला है आपका तान्हाजी को, ठीक है। तो ये आपका सोराराई पोत्रू और ये हो गया आपका तान्हाजी, ठीक है, दोनों को आपका अवार्ड मिला है फिल्म की कैटेगरी में। उसके बाद एक्टर और एक्ट्रेस आपको याद रखनी है, जो अभिनेता और बेस्ट आपकी अभिनेत्री हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहले तो एक्टर याद रखिएगा, अभिनेता, बेस्ट एक्टर किस किस को मिला है, आपके सूर्या को और अजय देवगन को, ठीक है, सूर्या को और अजय देवगन को बच्चे संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह दिया गया है अपर्णा को, ठीक है, यह दिया गया है आपका अपर्णा को, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये सारे के सारे नेशनल अवार्ड हैं, सारे जितने भी बच्चे सिनेमा में जो आपके अवार्ड मिलते हैं उनमें से यह क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं सिनेमा में, ठीक है। बच्चे आपके लोकप्रिय वाली मतलब जो कि हमको पसंद आई है, आपको, हमको, देखने वालों को, और जो आपकी फीचर फिल्म होती है उसे आपका दिया जाता है क्रिटिक्स बेस पे, ठीक है, जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, जो फिल्म चयन करते हैं, जो समिति बनाई जाती है उनके द्वारा जो आपकी मूवी पसंद आई, तो जरूरी नहीं है कि जो मूवी उनको पसंद आई वही हमको भी पसंद आई, ठीक है। तो लोकप्रिय, अगर लोकप्रिय के हिसाब से देखें, पॉपुलर के हिसाब से देखें, मास की बात करें, अगर जनमत की बात करें तो लोगों को ज्यादा पसंद आई है आपकी तान्हाजी, और अगर क्रिटिक्स की बात करें, जो आपके आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं उनकी बात करें, तो जो फिल्म जो समीक्षक होते हैं, ठीक है, फिल्म समीक्षक होते हैं उनकी बात करें, तो उनके द्वारा आपको चुना गया है किसे, सोराराई पोत्रू को, ठीक है। जरूरी नहीं बच्चे कि कोई अगर मूवी अच्छी होती है तो वह बिजनेस भी उतना ही अच्छी करती है या फिर वह लोगों तक पहुंच पाती है, बहुत सारी मूवी तो समझ नहीं आती इंडिया में लोगों को, है ना। तो उस तरीके से यह आपका डिफरेंस है, एक तो आपको क्रिटिक्स के बेस पे दिया गया है, समीक्षा जो समीक्षक होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं उनके बेस पे आपको सोराराई पोत्रू को दिया गया है, और अगर जनमत की बात करें, लोगों की बात करें, पॉपुलर की बात करें, तो वह आपको मिला है तान्हाजी को, ठीक है। तो यह डिफरेंस है बस। अगला है, अगली कैटेगरी आपको याद रखनी है, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग से भी दिया जाता है, तो आपको सिर्फ हिंदी के लिए याद रखना है तुलसीदास जूनियर, ठीक है, तुलसीदास जूनियर को बच्चे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तुलसीदास जूनियर, ठीक है। अगला है आपका बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बाल फिल्म की बात करें, अगर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, बच्चों की जो फिल्म होती है, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म इसे दिया गया है सूमी को, ठीक है, सूमी आपकी एक मूवी है, एक चिल्ड्रंस मूवी है, बाल फिल्म है, तो इसे दिया गया है आपका बेस्ट चिल्ड्रंस मूवी का अवार्ड, और यह आपका तुलसीदास जूनियर, यह बच्चे किसको दिया गया है, हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के लिए आपका जो नेशनल फिल्म इस बार मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड, यह दिया गया है तुलसीदास जूनियर को, ठीक है। तो ये सारी मूवियों को आपको याद रखना है। अगला अवार्ड देखते हैं आपका 2022 का लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप लिस्ट फॉर इंडिया। लिंक्डइन बच्चे आपको पता है कि यह आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेशेवर जो नेटवर्क है, ठीक है, ऑनलाइन आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रोफेशनल आपका नेटवर्क है, इनके द्वारा एक आपकी लिस्ट जारी की गई है, और लिस्ट का नाम क्या है आपका, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप सूची, मतलब कि स्टार्टअप जो नए आपके बिजनेसमैन हैं, नए आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बच्चे आपके टॉप जो टॉप लोग हैं उनकी आपकी क्या की गई है, लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि उन्होंने कितने लोगों को, कितने स्टार्टअप को शामिल किया है, 25, ठीक है। तो टॉप 25 उन्होंने निकाले हैं, टॉप 25 आपकी बिजनेस जो है, बिजनेसेस जो है, नए बिजनेसेस, उनकी उन्होंने लिस्ट जारी की है। तो वहां पे एक तो आपको सिर्फ इतना याद रखें कि कितनी निकाली है, ठीक है, टॉप 50 किसके द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा जारी की गई है, और इसमें आपकी कौन कौन सी कंपनियां, यहां पर देखिए ये सारी कंपनियां हैं उसमें, अगर इनमें से आपने किसी का नाम सुना होगा, जैसे कि डिट्टो का अगर आपने नाम सुना होगा, तो है ना, डिट्टो का नाम सुना, ये MBHI वाला तो सुना ही होगा सभी ने, है ना, MBHI वाला, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रेड अपग्रेड, जो जो आपने सुनी होंगी इसमें, तो ये सारी की ये पॉकेट FM, इसका भी बहुत ज्यादा प्रचार होता है, पॉकेट FM,
ये भी आपने सुना होगा, है ना। तो ये बच्चे सारे नई कंपनियां हैं, नए स्टार्टअप हैं, इनकी आपने टॉप 25 की लिस्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? जो आपके लिंक्डइन है, ठीक है, लिंक्डइन जो आपकी कंपनी है, इनके द्वारा इंडिया के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट जारी की गई है, और उनकी ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड कार्बन कैलकुलेटर सुविधाओं को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब देखिए बच्चे, मास्टर कार्ड द्वारा आपका बैंकों के लिए, जो आपके बैंक हैं, बैंकों के लिए एक सुविधा आपकी तैयार की जा रही है, जिसका नाम है कार्बन कैलकुलेटर। अब यह कार्बन कैलकुलेटर काम क्या करता है? कार्बन कैलकुलेटर एक ऐसी सेवा है जो बैंकों को प्रदान की जाएगी। यह एक व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर है। अब देखिए बच्चे, कार्बन जो आपका कैलकुलेटर है, नाम से पता लग रहा है कार्बन को कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेटर। अब कार्बन को कैसे कैलकुलेट करना है और क्यों कैलकुलेट करना है बच्चे? हमारे द्वारा इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, दिन भर में अपनी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनके जरिए बहुत सारा कार्बन को एमिट करते हैं। बहुत सारी कार्बन को, जो आपके कार्बन है उसको बहुत सारा एमिट करते हैं, बहुत सारे आपके उसमें हम यूज करते हैं, बहुत सारी आपकी क्या होती है एक्टिविटीज होती है उसमें। तो उसको ट्रैक करने के लिए कि एक व्यक्ति द्वारा पर्सनली, यह क्या है आपका, एक व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति द्वारा हर एक दिन में अपनी जो बैंकिंग एक्टिविटी है, अब यह बैंक के लिए है तो आपको याद रखना है कि जो बैंकिंग एक्टिविटी है, ठीक है, जो बैंकिंग एक्टिविटी है उसके जरिए बच्चे आपने एक दिन में कितना कार्बन एमिट किया है, इंडिविजुअली आपने कितना कार्बन बढ़ाया है, ठीक है, कितना कार्बन एमिट किया है, 6 किया है, वह आपको यह कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो कार्बन कैलकुलेटर पहले तो याद रखिएगा, कंपनी कौन सी है? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड द्वारा यह बनाया जाएगा और किसे दिया जाएगा? आपको या मुझको नहीं, ठीक है, यह जो इंडिया के बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उनको दिया जाएगा, और उसके बाद बच्चे उन बैंकों के द्वारा हमारे लिए यह आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कार्बन कैलकुलेटर। चलिए, एमसीक्यूज आपके समाप्त हो गए। 7:40 बच्चे, जल्दी से देख के बताइए, विजिबल है ये क्वेश्चन? पूरा दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को इधर से? बच्चे, अपर्णा और सूर्य दोनों को उसी के लिए मिला है, सोरराय पोत्रू, उसी में दोनों आपके लीड एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, सोरराय पोत्रू के लिए ही, और अजय देवगन को आपको तानाजी के लिए, ठीक है, मूवीज वही है उनकी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? ओके, लगभग सभी का सही है। कौन सा है ये? इसका ऑप्शन, इसका आंसर है आपका बेंगलुरु, ठीक है, कहां पे किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहां पे किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, यह निम्न में से किसका प्रकार है? जो आपका मंकी पॉक्स है बच्चे, वह किस तरीके की डिजीज है आपकी? फंगाई जनरेटेड है, पैरासाइट जनरेटेड है, बैक्टीरियल डिजीज है, या फिर वायरल डिजीज है? जो आपका मंकी पॉक्स है, इतनी चर्चाओं में रहा था मंकी पॉक्स, आपको बताना है किस तरीके की बीमारी है। उत्कर्ष वायरस, बिल्कुल सही बच्चे, यह आपका एक विषाणु जनित वायरल डिजीज है, मंकी पॉक्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कानूनी सेवा क्लिनिक समता न्याय केंद्र का चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया। यह विशेष रूप से जनसंख्या के किस वर्ग के लिए है? अब ये देखिए, समता न्याय क्या न्याय केंद्र, समता न्याय केंद्र, यह बच्चे आपका एक स्पेशल तरीके की क्या होगा, क्लिनिक होगा। तो आपको बताना है कि यह जो आपके केंद्र सेंटर खोले गए हैं, क्लिनिक खोले गए हैं, यह आपके किसके लिए है, स्पेशली कौन सी कम्युनिटी के लिए यह बनाए गए हैं। ठीक है, वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं, एल्डरली बुजुर्ग के लिए बनाए गए हैं, बच्चों के लिए या फिर ट्रांसजेंडर के लिए, किसके लिए बनाए गए हैं ये? मोहम्मद ओलिप्सा, बिल्कुल सही। तुषार वर्मा, बिल्कुल सही। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए बच्चे यह आपके स्पेशल तरीके की क्या बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं, क्लिनिक बनाए गए हैं। चलिए, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए आपका समता न्याय केंद्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग को खारिज कर दिया है। इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था, जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, विश्व भुखमरी सूचकांक, इसमें आपको बताना है आपका इंडिया का क्या स्थान था। ओके, गुड, उत्कर्ष और प्रेम जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बच्चे, 101, याद देखिएगा, 101 स्थान हासिल किया था इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक मामले में गोपनीयता के अधिकार को निजता के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मामला भारत के निजता के अधिकार से रिलेटेड है? आपको बताना है बच्चे कि जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार है, उसमें आपका एक और आपका अधिकार जोड़ा गया, जिसका नाम है आपका राइट टू फॉरगॉटन, मतलब कि भूलने का अधिकार। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड जो निजता का अधिकार था, वह आपका किस कौन से केस से रिलेटेड था, कौन सा केस आपका निजता के अधिकार के लिए बहुत जाना, बहुत ज्यादा क्या है, जाना जाता है। जब यह आपका बच्चे केस सॉल्व हुआ था, इसका जब आपका निर्णय दिया गया था, तो उसी में बताया गया था कि जो निजता है, जो प्राइवेसी है, वह आपका एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो कौन सा केस रिलेटेड है आपका निजता के अधिकार से, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी से? इसका बच्चे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, के एस पुट्टा स्वामी केस, के एस पुट्टा स्वामी केस, यह आपका 2017 से रिलेटेड है। ठीक है, 2017 में आपका ये केस हुआ था, और इसी के आपके जजमेंट पे, इसी का जब बच्चे जजमेंट आया था, तो इसी के जजमेंट के द्वारा क्या किया गया था, जो आपका निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का जो आपका आपका राइट है, उसे जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, और वह कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 21। ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, याद रखिएगा इसे। कौन सा केस है ये, के एस पुट्टा स्वामी केस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वेंटियन स्पेस स्पेस मॉड्यूल लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री का है आपका वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, कौन सी कंट्री का मॉड्यूल है ये वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल? जापान का है, यूएसए का है, रसिया का है, या फिर चाइना का है? मैम, ये सेशन
नए होते हैं बच्चे, ये आपके जुलाई के हैं, जुलाई के, ठीक है। और जुलाई के कुछ आपने पढ़े हुए हैं और कुछ ये आपके नए होते हैं, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स का सेशन था, डेली करंट अफेयर्स का, वो आपका लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ से क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं वह भी आपको दे दिया जाए। तो अगस्त से तो आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी थी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो इसीलिए अगस्त आपका जुलाई का, जून का जो करंट अफेयर है वह आपको दिया जाता है इस एमसीक्यूज के माध्यम से। बिल्कुल सही। ये कौन सा है आपका? चाइना, ऑप्शन नंबर डी, चाइना, ठीक है। चाइना के द्वारा बच्चे यह आपका स्पेस मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बताइए जल्दी से। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, या फिर केरला है? पूरे 6 महीने का, देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको। देखिए डेली तो चलता है आपका ये करंट अफेयर्स, ठीक है। सितंबर हो गया, अगस्त आपका पूरा हो गया, ठीक है। अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, जुलाई में हमने आधे से स्टार्ट किया था, तो आधा जुलाई तो आपके पास है, ठीक है। अब जो बचा हुआ आपका जुलाई है और जून है बच्चे, उसके क्वेश्चन। अब देखिए करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है ना कि इसमें सारे की सारी जो घटनाएं हैं वो आपकी जुलाई में ही हो रखी हैं, ठीक है। कुछ आपकी थोड़ा सा पीछे की होती है, मतलब जून महीने की होती है। तो आप जून और जुलाई ये एमसीक्यूज के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आता है आपका मार्च और अप्रैल, उन्हें बच्चे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले हफ्ते पढ़ा था टॉप 50 पढ़े थे जून के, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें हम टॉप 50 लाएंगे जून से पहले महीने के, ठीक है। अप्रैल के आएंगे आपके, मई के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को ये, मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से आपका जो करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने का वो आपका ऐसा कवर हो जाए। अब देखिए बच्चे डेली हम छोड़ नहीं सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स वाला जो है आपका सेशन वो हम छोड़ नहीं सकते। जो इससे पहले टॉपिक वाला है उसमें आपका रिविजन होता जाता है, इसलिए उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बचता है ये वाला सेक्शन और एक सैटरडे वाला दिन, ठीक है। तो सैटरडे को हम यूज करेंगे जो आपके पिछले महीने है, जो मई हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। उससे पहले अप्रैल नहीं पढ़ा है, जून नहीं पढ़ा था, तो उसमें आपके अप्रैल महीने, अप्रैल के, मई के, जून के आपके सारे करंट अफेयर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और डेली तो आप पढ़ ही रहे हैं, अगस्त का भी आपका साथ साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके जुलाई के हैं, ठीक है। तो जुलाई भी आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपके 5 से 6 क्लासे और होंगी जिसमें कि जुलाई भी पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इससे भी पीछे के जो मंथ हो गए, जैसे कि जून हो गया आपका, मई हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे आपके उसमें कवर करवाए जाएंगे। करंट अफेयर से डर लगता है, हाँ इसका आंसर बताया किसी ने? हाँ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, लगभग सभी का आंध्र है इसका। बच्चे कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है आपका फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला स्टेट। अगला है आयकर दिवस, प्रत्येक दिवस निम्नलिखित में से कौन से दिन मनाया जाता है, बताइए। 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, या फिर 26 जुलाई, कब मनाया जाता है आपका इनकम टैक्स डे? नहीं बच्चे, जून से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मई तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने में अगर आपका पेपर सेट होगा तो वो अभी से हो गया होगा, ठीक है। उसमें आपका मई का भी आएगा। अगर आप पिछले पिछले साल के पेपर उठा के देखें तो उसमें 6 महीने से भी पहले का भी पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो वो जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन मई तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। हम्म,
ऑप्शन नंबर बी, ओके 24, 24 याद रखिएगा इसे। इनकम टैक्स डे आपका कब आता है? 24 जुलाई, 24 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। अगला है कैप्टिव, 10 कैप्टिव नस्ल गंभीर रूप से लुप्त प्राय ओरिएंटल व्हाइट समर्थित गिद्ध को निम्नलिखित में से किस राज्य में खुले में छोड़ा गया था? अब जल्दी से बताइए, 10 आपके क्या थे? लुप्त प्राय ओरिएंटल व्हाइट गिद्ध, ओरिएंटल व्हाइट यह बच्चे आपकी क्या है, एक प्रजाति है किसकी? गिद्ध की, वल्चर की आपकी, व्हाइट बैक्ड वल्चर की आपकी यह प्रजाति है। तो इन्हीं अभी अभी क्या किया गया था, इन बर्ड्स को 10, 3 की संख्या, ठीक है, 10 पक्षियों को हाल ही में क्या किया गया था, छोड़ा गया था, ठीक है, छोड़ा गया था, इन्हें बंद करके रखा हुआ था। तो हरियाणा में हुआ ये घटना, वेस्ट बंगाल में हुई, मध्य प्रदेश में हुई या फिर महाराष्ट्र में हुई, जल्दी से बताइए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यह प्रजाति आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, गंभीर रूप से संकट में है आपकी ये प्रजाति। तो अभी हाल ही में इनको रिलीज किया गया है, छोड़ा गया है, तो आपको स्टेट बताना है कौन से स्टेट द्वारा यह काम किया गया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र कुमार, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही बच्चे, कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? यह भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए। ISSF, पहले तो इसे याद रखिएगा, इसका वेन्यू क्या था, कहां पे ये आयोजित करवाया गया था आपका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में बच्चे आपका आयोजित करवाया गया था, इसमें आपको बताना है। और किस चीज से रिलेटेड है, निशानेबाजी का विश्व कप है, इसमें भारत का स्थान आपको बताना है, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था या फिर फोर्थ था। और इस खेल से रिलेटेड बच्चे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मेहराज अहमद खान का नाम। मेहराज अहमद खान बच्चे यूपी के आपके निशानेबाज हैं, उन्होंने पहली बार जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ISSF, ओके, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राही, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, पहला स्थान बच्चे भारत ने यहां पे हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एशिया के सबसे पुराने चल रहे समाचार पत्र का एक डाक टिकट जारी किया गया है? समाचार पत्र है आपका मुंबई समाचार, मुंबई समाचार के बच्चे कितने साल हुए हैं, कितने साल इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जिसके उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है, जल्दी से बताइए कितने साल कंप्लीट हो गए हैं इस न्यूज़पेपर को। इसका बच्चे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 200 साल, 200 साल कंप्लीट कर चुका है यह न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम है आपका मुंबई समाचार, ठीक है, मुंबई समाचार। और इसी के उपलक्ष्य में अभी नरेंद्र मोदी द्वारा आपका एक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, 200 साल हो चुके हैं आपके मुंबई समाचार को। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से डिजिटल ज्योत पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि साझा करने का आग्रह किया था, ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जा रहा है डिजिटल ज्योत, ये बताइए ये कहां पे आपकी लगाई जा रही है डिजिटल ज्योत? नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है या फिर भोपाल है, कहां पे डिजिटल ज्योत आपकी लगाई जा रही है? ओके, मोहम्मद सादिक, बिल्कुल सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में आपकी लगाई जाएगी डिजिटल ज्योत। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शन सुर्खियों में रहा, यह जनसंख्या के किस वर्ग से संबंधित है, जल्दी से बताइए। आपका मॉनिटरिंग ऐप है जिसका नाम है सिमलेस इंस्पेक्शन,
मॉनिटरिंग एफ फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, जैसे हम क्या कह सकते हैं मासी। तो जल्दी से बताइए यह आपके कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, स्त्रियों से रिलेटेड है, बुजुर्गों से, बच्चों से या फिर ट्रांसजेंडर से, कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है आपका मासी ऐप? प्रीति पाठक चिल्ड्रंस, बिल्कुल सही बच्चे। ऑप्शन नंबर सी बच्चे, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस से रिलेटेड है आपका मासी नाम का ऐप। अगला क्वेश्चन है इस्कुराजिमा। इस्कुराजिमा एक आपका ज्वालामुखी है जो कि अभी हाल ही में आपका फटा है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, कौन से देश में अभी यह हाल ही में देखा गया है, इटली है, इंडोनेशिया है, जापान है या फिर फिलीपींस है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जापान, याद रखिएगा इस्कुराजिमा यह आपका कौन से कंट्री से रिलेटेड है, जापान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नया ऐप वाइवा इंगेज, वाइवा इंगेज नाम से एक नया ऐप पेश किया है, लॉन्च किया है, यह आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है या फिर एप्पल, कौन सी कंपनी का ऐप अभी अभी ये लॉन्च हुआ है वाइवा इंगेज नाम से। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, याद देखिएगा इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा अभी हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया गया है वाइवा इंगेज नाम से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन बताइए कौन से स्टेट से रिलेटेड है, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है तमिलनाडु बच्चे, केरला नहीं है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन आपका स्टार्ट किया है। चलिए तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ओके। तो आज का सेशन बच्चे यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिए।